नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे। लेकिन आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों से, साथ में मैं चॉकलेट केक की, और जो कि हम बनाएंगे वो ब्रेड से बनाएंगे। और एगलेस होती है ब्रेड, इसके अंदर कोई अंडा यूज नहीं होता। अगर किसी को डाउटफुल है तो इसके अंदर अंडा यूज नहीं होता है, विदाउट एक बनती है ब्रेड हमेशा। कहीं से भी आप ब्रेड खरीद लीजिए तो इससे आप लोग 100% मतलब आप जैन भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रीम की हमें, हमने जो कि क्रीम को फेंट लिया है, और चॉकलेट, और जो इसमें हमने चॉकलेट का जो एसेंस लिया है, पानी लिया और एक ड्रॉप इसमें हमने चॉकलेट एसेंस डाला है। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को काट लेते हैं। अगर आप लोगों को ब्रेड लव मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप पैकेट चाहे जो जम्बू ब्रेड आती है उसका पैकेट खरीद लें और उससे बनाएं तो काफ़ी अच्छा केक बनता है इसका। और ये चॉकलेट एसेंस है, और मार्केट में छोटी बाटल भी मिलती है इसकी, तो आप और डार्क चॉकलेट जो कि आप लोगों मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और इसको हमेशा जब भी आप बनाएं इसको डबल बॉयलर पे बनाएं और ज़्यादा देर तक ना पकाएं, ना तो फिर आपकी फटने लगी। तो इसमें आप बटर में या मिल्क में आप बना सकते हैं या क्रीम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। कि दो अगर वो मिलता है ब्लॉक आपको मिलता है तो इस तरीके से आप काट सकते हैं, एक के दो बना कर सकते हैं, और फिर इसको आप स्लाइस बना लें। तो आप जिस साइज में चाहते केक उस साइज में केक आप बना सकते हैं। ये देखिए, तो जो हम ब्रेड का बनाएंगे इसके ऊपर हल्का सा जो हमने शक्कर का और एसेंस डाल के पानी बनाया है इसके अंदर। और इसका एक चीज़ और बता दो आप लोगों के लिए, अगर जो टूटी फूटी ब्रेड आती है, जो स्वीट ब्रेड होती है, अगर वो आप लोगों को मिल जाती है तो उससे आप लोग अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ना आप लोग ये काम करें कि इसमें जो हल्का सा सॉल्टी होता है तो आप इसके अंदर हल्का सा शक्कर की जो मात्रा है वो बढ़ा दें, जो कि ताकि उससे मीठ स्वीटपन ज़्यादा आ जाएगा। तो जब आप इस तरीके से आप इसके लिए पानी पिलाएंगे सॉफ्ट करने के लिए, एसेंस और शक्कर का पानी होता है बेसिकली ये, तो चॉकलेट एसेंस होता है और इसमें शुगर सिरप होता है इसके अंदर, तो आप इसमें मात्रा बढ़ा दें तो आपका क्या होगा, स्वीटपन बढ़ जाएगा, तो सॉल्ट कम लगेगा, सॉल्ट कम लगेगा। तो चलिए हम आप लोगों दिखाते हैं इसके अंदर हमने जो है कि इस तरीके से पानी डाल देंगे, जो आप लोगों दिखाया था मैंने चॉकलेट और एसेंस और शक्कर का। देखिए हमने मेल्ट कर लिया है, और आप लोगों को बताया था माइक्रो ओवन में भी कर सकते हैं, डबल बॉयलर में भी आप लोग कर सकते हैं। डबल बॉयलर का मतलब कि आप लोग एक सॉसपैन में पानी रखेंगे, उसके अंदर आप फिर बॉयल डालेंगे तो उसको डबल बॉयलर बोलेंगे। डबल बॉयलर का मतलब जिसके जैसे कि चॉकलेट है तो हमने एक बॉल में चॉकलेट ले लिया और एक में हम पानी लेंगे, उसको पानी को हम भट्टी के ऊपर चढ़ाएंगे और फिर वो इसको उसके ऊपर रखेंगे पानी के ऊपर। तो चलिए और हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे, और क्रीम जितनी हम क्रीम लेंगे उतना ही हम चॉकलेट लेंगे, दोनों की क्वांटिटी में बराबर होती सेम होती है। तो चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, आप आपके पास फिल्टर है या आपके पास उससे भी कर सकते हैं, और बड़ी इजीली मिक्स हो जाता है, तो आपको उसकी मशीन की ज़रूरत ही नहीं है, चम्मच या नाइफ से ही हो जाता है। तो इस तरीके से पैकेट आता रिच गोल्ड का क्रीम का, और इसके अंदर सारा मिक्स होता है, सिर्फ आपको इसको फेंटना है और केक बनाना है, शक्कर वगैरह सब कंप्लीट इसके अंदर होती है। और चलिए हम क्रीम लगाएंगे, और इसके अंदर हमने दे दी, इस तरीके से हम क्रीम लगा लेंगे, और दूसरा लेयर लगाएंगे इसका हम ब्रेड का, और ये देखिए दूसरा लेयर लगाया, इसके ऊपर भी हम क्रीम लगाएंगे चॉकलेट केक के लिए, और इस तरीके से हम क्रीम लगा लेंगे। चलिए देखिए आप, हम तीसरी लेयर लगाते हैं इसका केक के लिए, चॉकलेट केक जो कि हम ब्रेड से बना रहे हैं, और इस साइड अभी बाद में कट जाएगी जो आप लोगों को दिख रही है, और ये साइड हम काट देंगे, और देखिए, और ये देखिए इस तरीके से हम निकाल देंगे, तो हम क्रीम लगाएंगे तो पूरा हमारा शेप में आ जाएगा। इस तरीके से हम हटा देंगे, और पहले हटाएंगे तो वो शेप में नहीं आएगा, इस तरीके से हम काट लेंगे। तो देखिए आप लोगों को दिखाते हैं चारों तरफ से, अब हमने इसमें क्रीम लगाई, हमने ब्रेड जो साइड थी, और क्रीम लगाने के बाद ही करें तो आपका अच्छा अपने इसके ऊपर आप देखिए इस तरीके से,
डालेंगे और इस तरीके से आराम से देखिए, इस तरीके से देखिए फिनिशिंग करेंगे। वो हमारा ये केक रेडी है, तो आप लोग ऐसे सर्व करना चाहें तो रेडी हो गया। लेकिन चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से इसका हम फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए, और देखिए इस तरीके से प्यार से हम इसकी क्रीम जो है निकाल लेंगे। खाना तो जितने प्यार से बनाओगे उतना अच्छा बनेगा, और जितने दिल से और प्यार से बनाओगे उतना टेस्टी खाना बनता है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से बड़े प्यार से आप लोग करें तो आपका केक बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बनेगा। चलिए इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग जब भी खाना बनाते बहुत ठंडे दिमाग से और प्यार से बनाइएगा, आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। कोई भी आइटम आप कभी भी बना कि हमारा केक रेडी। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं कि बढ़िया फिनिशिंग कर दी। आप इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे और लगभग हमारा केक रेडी। अब हम गार्निशिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। और ये बटर पेपर है, हम आसानी से मार्केट में मिलता है। अगर गार्निशिंग बनाना है तो इससे भी बना सकते हैं, और आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से बनाते हैं। और ना तो इसका पाइपिंग बैग भी आता है, वो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों दिखाते हैं गार्निशिंग बनाना। और ये देखिए इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं गार्निशिंग ये। और ये वाइट चॉकलेट है, और इसको हमने कुछ भी नहीं किया है, इसके अंदर कुछ मिक्स नहीं है, इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करा हमने। जो इसके अंदर है सिर्फ हमने इसको मेल्ट कर लिया डायरेक्ट चॉकलेट को, और उससे बना रहा है। इसके अंदर आप कुछ मिक्स करेंगे तो आपका ये गार्निशिंग नहीं बनेगा। तो आपको कुछ भी इसके अंदर मिक्स नहीं करना है, और डायरेक्ट इसको आपको गर्म कर लेना है, और 5 मिनट के अंदर आपका गार्निशिंग तैयार हो जाएगा। बनाना चाहते इससे आप बना सकते हैं। हमने नाइफ घुमाया और ये प्लेन पट्टी बनाएंगे हम इसकी। ये देखिए इस तरीके से प्लेन पट्टी बनाएंगे। कौन बनाना है देखिए, इस तरीके से कौन बनाना है ये, इस तरीके से आपको घुमाना है इसके लिए। ये देखिए इस तरीके से घुमा के ये देखिए कौन की तरह बन जाए। तो देखिए इस तरीके से कौन बन जाएगा ये, देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इस तरीके से कौन बना लेंगे हम। देखिए आप लोगों को बताते हैं, देखिए इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी ऐसे ही बनाए जैसे हमने वाइट चॉकलेट बताई थी, किसी के अंदर हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। और इस तरीके से आप लोग गार्निशिंग बना सकते हैं। और ये हम इस चॉकलेट में बॉर्डर लगाएंगे इस तरीके से दोनों का मिक्स करके। ये देखिए इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग काट लें, ये देखिए, ये देखिए आप लोगों को बड़े ही तरीके से दिखा रहा हूँ। देखिए ये हम चॉकलेट डालेंगे, जो हमने वो चॉकलेट बना के रखी थी ठंडी कर ली, उसको हमने थोड़ी सी और ठंडा करके डालेंगे। अगर गर्म डालोगे तो पूरा आपकी क्रीम फट जाएगी। तो आप हमेशा ठंडा करके चॉकलेट डालें। इसका हमने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर, फ्रिज में हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए, अगर ज़्यादा रखेंगे तो जम जाएगा। तो ठंडा होने चाहिए नॉर्मल। और इस तरीके से आप लोग चाहे इस पर चॉकलेट केक के लिए चॉकलेट लगाएं, ये देखिए, और वो आप ऊपर लगाएंगे तो आपके सारे केक के ऊपर आ जाएगी चॉकलेट। इस तरीके से बड़े प्यार से घुमाना होगा ना, आपकी क्रीम भी निकल जाएगी उसमें से। तो आप लोगों पहले ही बताया कि जितने प्यार से आप खाना बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा, और जितना उठा पटक से बनाएंगे उतना बेकार बनेगा। तो हमेशा प्यार से बनाइए और प्यार से खिलाइए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, हम गार्निशिंग करके दिखाते हैं। इस तरीके से हम गार्निशिंग कर लेंगे, और ये देखिए गार्निशिंग करेंगे, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, इस तरीके से हम गार्निशिंग कर लेंगे। ये देखिए, और आप लोग भी बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए जो गार्निशिंग हमने बनाई थी वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से आपको लगा देना है, और कितना सुंदर दिखेगा आप सोच सकते हैं। तो देखिए आप लोग दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
आप लोगों इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं गाने सिंह, कितना सुंदर दिखेगा आपका केक जब इस तरीके से आप बनाएंगे और जब प्रेजेंट करेंगे तो आप लोग जो भी बनाएगा तो देखिएगा, हस्बैंड बनाए तो वाइफ खुश, वाइफ बनाएगा तो हस्बैंड खुश, तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं गाने सिंह। और बड़ा सिंपल तरीके से आप लोगों को दिखाया हमने और 100% एकलेस। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसकी कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं क्या, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम दोबारा ट्राई करेंगे आप लोगों और इजी तरीके से दिखाने का, बहुत इजी तरीके से आप लोगों बना के दिखाए केक और बड़ा सादे सिंपल तरीके से बताए आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप लोग बड़े आसान तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं। आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, और जरूर करना कमेंट और लाइक जरूर कर देना, लाइक करना मत भूलिए। चॉकलेट डाल सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट के आपके पास अगर चिप्स है तो आप वो डाल दीजिए, और इस तरीके से आप जो भी लिखना चाहें इसके ऊपर आप लिख दीजिए। देखिए इस तरीके से आप लोग भी ये मार्केट में बॉल वगैरह आसानी से मिलते हैं, इस तरीके की डिब्बी होती है तो बड़ी आसानी से मिलती है, और ये बिल्कुल बेज होती है, शक्कर का होता है बेसिकली। और चलिए इस तरीके से आप लोग सादा सिंपल गाने सिंह करके दे सकते हो, और हमारी रेसिपी अच्छी लगती है ये देखिए, और जरूर लाइक कर देना। केक रेडी है और इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमने